आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर प्लेसेस. दिस इज योर कंप्यूटर क्लास एंड आई होप यू आर डूइंग वेल, ओबेइंग टू पेरेंट्स, लिसनिंग टू देम, वट एवर दे आर सेइंग यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स एज वेल. सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीक क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग कर रहे थे. सो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेटिंग में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ा था. फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के बारे में वी हैव लर्न कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है. उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या है उसके बारे में, हेडर एंड फुटर कैसे इंसर्ट करना है और कौन सी चीज़ हम हेडर और फुटर के अंदर जो है शो ऑफ करते हैं. उसके बाद हमने लास्ट वीक पेज ब्रेक के बारे में पढ़ा कि पेज ब्रेक क्या होता है. उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट दीज थिंग्स, हम इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो दिस दीज ऑल थिंग्स आर नॉट देयर इन योर चैप्टर, आपके चैप्टर में ये सब चीज़ें नहीं हैं. फीचर्स ऑफ सम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग के कुछ फीचर्स हैं जो हम लर्न करेंगे, देन दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिन्स कैसे देते हैं हम पेज के. मार्जिन्स क्या होता है, पेज का एरिया, ऊपर से, साइड से, लेफ्ट से, राइट से, नीचे से, ये सब एरिया जो होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं. सो हम मार्जिन कैसे देते हैं, दिस वी विल स्टडी अबाउट टुडे इन टुडेज लेक्चर. मार्जिन्स के साथ साथ वी विल बी स्टडिंग अबाउट पेपर साइज. पेपर साइज क्या होता है हम वो पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, बी विद मी ऑन माई स्क्रीन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू. सो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट सम टेक्स्ट ओवर देयर. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर that helps to create documents with a professional outlook. After that, it not only provide the facility to type and edit the text, but also offers features to enhance the overall appearance of the text. So here are the two lines I have written. Microsoft Word is a word processor that helps to create documents with the professional outlook. It not only provide the facility to type and edit the text, but also offer feature to enhance the overall appearance of the text. So students, very simple, what we will do is, first of all, we can choose any text from there. कोई भी एक text हम यहाँ से ले लेंगे. After that, we can increase the font size. For example, I have chosen font size 26. So this is I have done now. So
फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट इन लास्ट वीक इज फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर में मैंने आपको बताया था कि हम उसका फॉर्मेट जो होता है पेंट, उसकी फीचर जो होते हैं हम उसके वो कॉपी कर सकते हैं. लाइक टेक्स्ट का कलर है, लाइक हम टेक्स्ट का कलर कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, साइज कॉपी कर सकते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, राइट क्लिक एंड दिस इज फॉर्मेट पेंटर दिस ब्रश. सो नाउ वी हैव कॉपीड द फॉर्मेटिंग. सो अगर अब हम देखें तो ये सेम फॉर्मेटिंग जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. जब हम लिखेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग विल बी देयर. एज यू कैन सी दिस इज फॉर्मेट पेंटर. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, कोई भी वर्ड जिसको हम सिलेक्ट करते हैं वो पैरों में आ जाता है. और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट में वो ऊपर चला जाता है, सबस्क्रिप्ट में वो पैरों में आ जाता है. सो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. आफ्टर दैट कि हम शेडो का इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, दैट आई टोल्ड यू कि हमें अगर शेडो का इफेक्ट देना है तो हम क्या करते हैं, दिस इज शेडो इफेक्ट. सो टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे वी आर शेडो का ऑप्शन, वी आर हैविंग आउटलाइन ऑप्शन. तो यहाँ से हम कोई भी फीचर जो है वी कैन टेक. सो दिस इज वी कैन टेक एनी फीचर फ्रॉम देयर. यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स में, वी आर हैविंग मैनी फीचर्स. टेक्स्ट इफेक्ट में वी कैन गिव आउटलाइन टू द टेक्स्ट. हम जो टेक्स्ट को आउटलाइन देना चाहें वो दे सकते हैं. और उसके बाद अगर हम आउटलाइन का वेट जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं. सेम अगेन हम यहाँ पे जाएंगे आउटलाइन के अंदर, वेट के अंदर. सो दिस इज द, वी कैन गिव वेट टू द आउटलाइन. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसके अंदर शेडो की ऑप्शन भी है. वी कैन गिव शेडो, हम शेडो दे सकते हैं टेक्स्ट को. वी आर हैविंग प्री डिफाइंड फीचर्स है हमारे पास यहाँ पे. सो एज यू कैन सी हल्की हल्की शेडो इज देयर ऑन द टेक्स्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन गिव शेडो टू द टेक्स्ट. सो टेक्स्ट की शेडो हो गया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया, हेडर एंड फुटर यू नो कि कैसे अप्लाई करना है. इंसर्ट में जाके here it is the option of header and footer. So this is how we can increase header, insert header and footer. And उसके बाद हमने orientation किया था. layout में जाके orientation is there. portrait is already selected and landscape में क्या होता है, पेज का जो width होती है वो इंक्रीज हो जाती है. So this is ओरिएंटेशन. उसके बाद मार्जन्स, यहाँ पे हमारे पास मार्जन्स की ऑप्शन है. सो नॉर्मल मार्जिन पे तो ऑलरेडी इस वक्त पेज है. अगर हमें पेज के मार्जिन को थोड़ा सेट करना है, मतलब नैरो करना है, हम चाहते हैं कि मार्जिन बिल्कुल कम रह जाए, तो हम नैरो सिलेक्ट करेंगे. नाउ वी कैन सी कि हमारे पेज में ऊपर और नीचे बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है मार्जिन रह गया है. उसके बाद मॉडरेट में वो नॉर्मल सा मार्जिन उठाता है. और यहाँ पे साइज ऑफ द मार्जिन इज आल्सो गिवन. जैसे नॉर्मल के अंदर टॉप से 2.54 सेंटीमीटर है, लेफ्ट से इतना मार्जिन है, बॉटम से इतना है, राइट से इतना है, नैरो में इतना है. मॉडरेट में एंड नॉर्मल में इफ यू कैन सी कि टॉप का मार्जिन एंड बॉटम का मार्जिन इज सेम, बट लेफ्ट और राइट का मार्जिन जो है चेंज हो रहा है. लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन है दैट इज चेंजिंग, बट टॉप से और बॉटम से द मार्जिन विल बी सेम. वाइड के अंदर अगेन वी कैन सी टॉप और बॉटम का मार्जिन जो है दैट इज सेम, पर लेफ्ट और राइट से जो है मार्जिन इंक्रीज हो रहा है. नाउ वी कैन सी कि कितना मार्जिन आ रहा है पेज के साइड पे. सो दिस इज हाउ वी कैन द मार्जिन. हम अपने अकॉर्डिंग जो है पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए. कस्टम मार्जिन में हम जाएंगे तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्जिन जो है सेट करना चाहें, जैसे कोई भी हम देना चाहें. फॉर एग्जांपल इसमें से हमें मार्जिन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट फिगर चाहते हैं,
तो हम वो जो मार्जिन है हम यहाँ से अपने आप भी सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया टॉप से 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट से मैंने दिया 1 सेंटीमीटर एंड राइट से भी मैंने दिया 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ वी कैन सेट द मार्जिन बाय आवर सेल्फ. हम अपने आप से भी मार्जिन जो है सेट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द मार्जिन इज गोनो सेट. उसके बाद आता है आपका पेपर का साइज आप कैसे सेट कर सकते हो. सो मार्जिन हो चुका है, अब उसके पास साइज ऑफ द पेपर. यहाँ पे साइज ऑप्शन इज देयर. साइज के अंदर पेपर का साइज इज गिवन देयर, डिफरेंट साइज ऑफ पेपर इज गिवन देयर, लेटर, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A5, B5. सो इनमें क्या है, अलग अलग जो है पेपर का साइज सब में अलग अलग है. तो हमें जो भी साइज चाहिए हम पेपर का साइज वही ले सकते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पेपर का साइज जो है चेंज हो जाएगा. एज यू कैन सी नाउ पेपर का साइज कौन सा हो गया, ये A5, इट इज सिलेक्टेड A5. अगर हम B5 कर देंगे तो दिस वन विल बी सिलेक्टेड. अगर हम यहाँ से कोई और साइज लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट एनवेलप, एनवेलप का साइज, क्योंकि एनवेलप बिल्कुल पतला सा होता है, सो दिस इज द साइज ऑफ द एनवेलप. सो यहाँ पे साइज की ऑप्शन है जिससे हम पेज का साइज जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं. मोर पेज साइज के अंदर जाके आप अपने आप से भी पेज का साइज जो है इसकी विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो. सो दिस इज मार्जिन एंड दिस इज साइज. मार्जिन की ऑप्शन भी आपने देख ली कि मार्जिन क्या काम करता है, पेपर का मार्जिन सेट करता है टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से, और साइज के अंदर पेपर का साइज होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. मार्जिन कर लिया हमने एंड साइज कर लिया, ओरिएंटेशन वी हैव डन, फॉर्मेट पेंटर वी हैव डन. सो दीज थिंग्स वी हैव डन. सो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस इट एट होम, मेक डॉक्यूमेंट्स विद इट, स्टार्ट टाइपिंग योर क्वेश्चन आंसर्स. और कुछ नहीं अगर आप करते हैं तो आप अपने SST के, आपने उसके सॉरी EVS के, आप अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स इस पर जब टाइप करोगे योर टाइपिंग स्पीड विल ऑल्सो भी इंक्रीज, आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी एंड यू विल get to learn these features as well. So students, these are the features which we are doing in this class today. And next class, we will learn something new. Bye students.